हेलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब आज के क्लास में हम लोग हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर अपना कंप्लीट किया है जिसमें सारे सारे ऑप्शंस को हमने अच्छे से कवर किया है अगर आपने अभी तक राइटर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लिब्रे ऑफिस के प्ले में जाके पूरा राइटर के एक एक ट्यूटोरियल को अच्छे से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं जिससे हम उस चीज को आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आज हम कैल स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के क्लास में हम लोग पहले कैल्क का पूरा बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे शीट होती है कितने रो कॉलम्स होते हैं कैसे काम किया जाता है तो ये बेसिक्स हमें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि तो कोई भी फॉर्मूला हम तभी एंटर कर पाएंगे कोई भी डेटा हम तभी एंटर कर पाएंगे जब इसके रूल्स के बारे में हमें चीजें पता होंगी तो चलिए सबसे पहले इसका हम विंडो के एलिमेंट्स तो का मतलब यह है कि अभी तक हमारी फाइल सेव नहीं है हमने भी बिल्कुल नई कैल्क की पहली फाइल ओपन की है तो जब तक आप कैल्क की कोई भी फाइल या फिर लिब्रे ऑफिस की कोई भी फाइल चाहे राइटर कैल्क इम्प्रेस कुछ भी हो जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते तो तो बाइ डिफॉल्ट नाम उसका

क्लोज करेंगे तो आपका ये जो भी टैल्क यहाँ पे ओपन होगा जो भी करेंट डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा वो आपका लिब्रे ऑफिस टैल्क पूरा बंद हो जाएगा पूरी आपकी फाइल जो होगी वो क्लोज हो जाएगी तो इस पूरी ही बार को हम कहते हैं टाइटल बार जिसपे हमें ये अन टाइटल बन लिब्रे ऑफिस टैल्क और जैसे ये तीन बटन मिलते हैं इसको हम कहते हैं टाइटल बार किसी भी विंडो की जो सबसे ऊपर की बार होती है उसको हमेशा टाइटल बार कहा जाता है उसके बाद सेकेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड जो बार है उसको हम कहते हैं मेनू बार इसे क्या कहते हैं हम मेन्यू बार और ज्यादातर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल क्या इंप्रेस में टोटल कितने मेन्यूज होते हैं तो आपको बताना है कि टोटल इलेवन मेन्यूज होते हैं फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल शीट डेटा टूल्स विंडो हेल्प और आपको एक चीज और बता दूं अगर आपने राइटर पढ़ा है तो आपको कैल्क पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सिमिलर मिल जाएंगे अगर आपने राइटर में पढ़ लिया है तो आपको यहाँ पे कैल्क करने में बहुत आसानी होगी तो हम जल्दी जल्दी कैल को कवर करेंगे तो मैं पे आप, आपसे आप मैं यही रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पहले राइट के तो बाद हम कहते हैं, हैं यहाँ से आपको सारे कॉमनली यूज हमारे टूल्स होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं ये जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं ये सारे इन्हीं मेन्यू से ही लिए जाते हैं तो होता क्या है इन सारे मेन्यूज में जो ऑप्शन ज्यादातर यूज किए जाते हैं उनको हमेशा टूल बार में रखा जाता है ताकि यूजर अपना कोई भी काम करने के लिए उसको मेन्यूज में न जाना पड़े वो यहाँ शॉर्टकट तरीके से किसी भी ऑपरेशन को कर सकता है तो इसके लिए टूल बार होती है उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं लिब्रेशन सेंस पॉइंट साइज ये सब आ रहा है इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग बार स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार वैसे बहुत सारे लोग इन दोनों ही बार को स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है इसको आप पूरे को स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं और तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाली बार को स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है और नीचे वाली बार को स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार कहा जाता है इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पे एक नेम बॉक्स दिख रहा है तो नेम बॉक्स में हमें हमारी सेल का क्या दिखता है सेल का एड्रेस दिखता है तो इसे अभी हम समझ लेंगे जब हम रो कॉलम को अच्छे से समझेंगे तब इस सेल के एड्रेस को हम समझ लेंगे तो उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ से आपको एक फंक्शन रिजार्ट मिल रहा है जहां से आप किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं तो फंक्शन हम बाद में तभी यूज करेंगे जब इसमें हमें डेटा एंटर करना आएगा तो यहाँ से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं उसके साथ ही आपको यहाँ से फॉर्मूला का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से आप सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जैसे कोई भी फॉर्मूला को आप यहाँ से क्लिक करके भी यहीं से आप डायरेक्ट ले सकते हैं ताकि आपको अलग से लिखने की जरूरत ना पड़े देन उसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है या फिर किसी भी फंक्शन को कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा है फिर आगे देखिए आप यहाँ पे आपको एक इनपुट लाइन दिख रही है इनपुट लाइन में क्या होता है कि आप किसी भी सेल में जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो आपका हमेशा इनपुट लाइन में दिखता है या फिर किसी सेल में अगर आपने कोई भी फॉर्मूला जैसा कोई भी चीज अगर आपने एंटर की है तो वो आपके हमेशा इनपुट लाइन में ही दिखती है फिर इसके बाद में आप देख देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आपको ए बी सी डी और यहाँ पे कुछ आपको वन टू थ्री के फॉर्मेट में कुछ ऐसे रो और कॉलम्स दिख रहे हैं तो देखिए जो ये वन टू थ्री के फॉर्मेट में है इन्हें हम कहते हैं रोज रोज हमेशा ऐसे हॉरिजेंटल होती है और कॉलम्स हमेशा ऐसे वर्टिकल होते हैं तो रो की बात करें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर होती है टेन लैक्स एंड फोर्टी एट थाउजेंड एंड्रेड एंड सेवेंटी अगर आपको देखना है, कि लास्ट रो हमारी कौन सी है तो आप पहली रो पे क्लिक करके आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए जैसे आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे वैसे आप देखेंगे कि हम बिल्कुल लास्ट वाली रो पे पहुंच चुके इसका मतलब टोटल हमारे में रो है दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर इससे ज्यादा आपकी न ना रो हो सकती है ना इससे कम हो सकती है अगर आप बीच में कहीं से भी आप एक दो रो डिलीट कर देते हैं तो वो लास्ट से ऑटोमेटिक एड होती जाएंगी और अगर आप कोई इंसर्ट करते हैं तो लास्ट से ऑटोमेटिक डिलीट होती जाएंगी इतनी ही रो हमारे में रहती है वापस ऊपर आने के लिए फिर से आप कंट्रोल के साथ अपैरों की यूज करिए तो हमने देखा कि टोटल दस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ छिहत्तर रो होती हैं और ऐसे ही अगर हम कॉलम की बात करें तो ऐसे देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम कॉलम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस का ये जो लेटेस्ट वर्जन अभी हमारे पास है सेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ है इसमें लेब्रे ऑफिस में जो टोटल कॉलम है वो है सोलह कितने हैं सोलह इसके पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम हुआ करते थे एक हजार, चौबीस पहले कॉलम हुआ करते थे और ये जो अपडेटेड वर्जन आया है इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सोलह हजार तीन सौ चौरासी कॉलम कर दिए गए हैं जितने हमें एक्सल में मिलते हैं वैसे ही एक्सल के बराबर रो और एक्सल के ही बराबर कॉलम अगर आप लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे लास्ट कॉलम का नेम है सेफ्टी और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या होगा तो ये आपको पता होना चाहिए मतलब सोलह हजार तीन सौ चौरासी जो कॉलम है उसका नाम है एक्स एफ डी ऐसा इसलिए है कि पहले से लेके जट तक चलते हैं फिर ए ए, ए सी करके चलते हैं। फिर ऐसे ही आ, सारे कैरेक्टर्स ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस है एक्स एफ डी तो वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की आप प्रेस करिए तो आप वापस अपने कॉलम में आ जाएंगे तो ये तो हो गई रो और कॉलम की बात अब तो आती है सेल की बात सेल क्या है देखिए तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसे हम कहते हैं सेल सेल क्या है सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम मतलब एक रो और कॉलम मतलब जहां आके मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं मतलब कैल्क में आप अगर कोई भी डेटा एंटर करेंगे तो वो हमेशा आप सेल के अंदर ही एंटर करेंगे अगर इसमें आप चाहे कि हम सेल में डेटा एंटर नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई भी जगह नहीं है जैसे अगर हम राइटर में काम करते थे तो राइटर में हमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ हमें पेजेस मिलते थे उस पेजेस पे हम काम करते थे ऐसे ही आपको कैल्क में एक रो तो और टेबल के इंटरसेक्शन से सेल मिलती हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल मिलती हैं तो उन सेल में हमेशा हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं आपको जैसा भी डेटा एंटर करना हो आप हमेशा इन सेल में ही डेटा एंटर करेंगे तो सेल क्या है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ये जो टोटल सेल होती हैं इसमें तो ये टोटल सेल होती हैं सत्रह अरब सत्रह करोड़ अठानवे लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौरासी यह नंबर याद करना डिफिकल्ट है मुझे पता है ये नंबर याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर इसे आपको चेक करना हो कि कितनी सेल है सिंपल सा कुल दो का साइन लगाएंगे क्योंकि तो एक्सेल या कैल्क में जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा आपको इक्वल टू का साइन लगाना ही होता है इसके बाद जितने आपके पास रो हैं दस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ छिहत्तर और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने हमारे पास कॉलम है और एंटर करेंगे तो ये जितनी भी सेल होंगे, काउंटिंग सत्रह अरब सत्रह करोड़ अट्ठानबे लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौरासी इतनी हमारे टैल्क में सेल होती है और ये जो सेम नंबर है यही सेम नंबर एक्सेल में भी होता है मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि अगर आप एक्सेल भी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या एक्सेल का कोर्स हमने भी स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ से भी थोड़ी सी डिटेल उसमें मिल जाएगी तो ये ये हो हो गई गई रो और और कॉलम की बात और ये हो गई, सेल की बात देखते हैं ये जो ऊपर यहाँ पे बी लिख के आ रहा है ये नेम बॉक्स जो हमने कहा था कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे देखना कि जब भी हम कहीं क्लिक करते हैं तो ये नेम बॉक्स हमेशा चेंज हो जाता है यहाँ क्लिक करते तो चेंज हो जाता है यहाँ क्लिक करते तो चेंज हो जाता है तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो नेम बॉक्स है ये सेल का एड्रेस बताता है उसका तो सेल का एड्रेस देखना जब भी हम कहीं क्लिक करते हैं अगर हमने पहली सेल पे क्लिक किया तो क्या लिख के आया a1 मतलब a कॉलम एंड फर्स्ट रो तो ये क्या होगा इस सेल का एड्रेस इस पे क्लिक करेंगे तो b1 c1 बस तो अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो b5 यहाँ क्लिक करेंगे तो c 15 c16 दोनों सेलेक्ट हो गई हैं अगर यहां क्लिक करेंगे तो e15 तो हर एक सेल का इसमें एक अपना एड्रेस होता है जो कि कॉलम कैरेक्टर और रो के नंबर से मिलके बना होता है अच्छा एक चीज और आप और ध्यान रखना अगर हमने यहाँ क्लिक किया तो आपने देखा इसका एड्रेस है -सिक्स। पर ये नहीं हो सकता है मतलब रो का नंबर पहले कभी नहीं आएगा हमेशा पहले कॉलम का कैरेक्टर गिना जाएगा उसके बाद रो का नंबर हमेशा पहले कैरेक्टर फिर नंबर मतलब डी सिक्स सिक्स डी आप इसे नहीं कह सकते यहाँ पे क्लिक किया तो एफ नाइन ना के नाइन एफ तो ये हर एक सेल का एड्रेस होता है। होता है। है? ऐसा क्यों क्योंकि जैसा आपने देखा कि हमारे कैल्क में अट्ठानबे लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौरासी सेल हो जब तो अगर इस, इसमें हमने अगर किसी भी सेल में कोई काम किया है तो अगर हमें आपको बताना पड़ता है कि मैंने उस वाली सेल में डेटा एंटर किया है तो मैं उसकी पहचान में आपको कैसे बताऊंगी इतनी सारी सेल के बीच में तो जैसे कि मान लिया हमारे हमारे यहाँ दुनिया में इतने सारे लोग हैं पर हर एक पर्सन की आइडेंटिटी है अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम कैसे समझेंगे कि कौन क्या है तो उसी तरीके से इसमें हर एक सेल की आइडेंटिटी होती है उसको पहचानने के लिए तो उसे कहते हैं हम सेल का एड्रेस जिसे हम हमेशा नेम बॉक्स में उसे शो किया जाता है तो ये सेल का एड्रेस हो गया अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितनी भी हमने आपको रो और कॉलम और सेल के बारे में बताया है ये सिर्फ एक शीट के बारे में बताया है तो लिब्रे ऑफिस Calc में हमें बाई डिफॉल्ट एक शीट मिलती।, कि मिलती है भी तो हमें तो कर सकते हैं। आप यहां से प्लस के साइन पे, पे क्लिक करके आप शीट वन शीट टू इस तरीके से आप कई सारी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं और जितनी भी आप शीट लेते जाएंगे हर एक शीट में आपको इतने ही रो इतने ही कॉलम और इतनी ही सेल मिलेंगी सब में कितनी इतने तो दस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ छिहत्तर रो सोलह हजार तीन सौ चौरासी कॉलम और ये आपके सत्रह अरब सत्रह करोड़ अट्ठानवे की कैल्क और एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है कई बार लोग कहते हैं स्प्रेडशीट और एक्सेल में क्या डिफरेंस है स्प्रेडशीट और कैल्क में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बता दूं कि स्प्रेडशीट ही कैल्क है स्प्रेडशीट ही एक्सेल है या फिर एक्सेल ही स्प्रेडशीट है कैल्क भी स्प्रेडशीट है स्प्रेडशीट एक्चुअली इसलिए कहा जाता है स्प्रेड मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा फैला हुआ तो ऐसी एक शीट जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो देखा है आपने कि जैसे कैल्क में हमें एक शीट में दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर रूम मिल रही है मतलब हम एक शीट में दस लाख अड़तालीस हजार लोगों का डेटा एंटर कर सकते हैं जिसमें हमें कितनी सारी सेल मिल रही है डेटा एंटर करने के लिए कि हमारे पास एक शीट को अगर हम फिल कर पाए तो यही हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसमें आप मैक्सिमम शीट्स ले सकते हैं शीट वन टू थ्री जब एक शीट कोई नहीं फिल कर पाएंगे तो दूसरी शीट फिल करने की बात नहीं आएगी तो वैसे तो हम लोग डेटा अलग अलग शीट में रख लेते हैं लेकिन एक शीट को फिल कर पाना बहुत मुश्किल है इतना बड़ा हमारा कैलक और एक्सेल है इसीलिए इन दोनों को स्प्रेड शीट कहा जाता है तो जैसे हमें डिफ़ॉल्ट सीट कितनी मिलती हो गया रो कॉलम एंड सेल और ये शीट के बारे में नीचे आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ से एक स्टॉल बार मिल रही है स्टॉल बार हमें हमेशा दो मिलती है एक तो हॉरिजेंटल स्टॉल बार जिसमें आप अपने मैटर को लेफ्ट राइट right करके देख सकते हैं और एक साथ ही हमें यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलती है जिसमें हम अपने मैटर को डाउन स्क्रॉल करके देख सकते हैं तो ये हमें दो स्क्रॉल बार मिलती है। इसके बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रॉल बार आपको शो नहीं होती है तो उन्हें हमें व्यू में जाके तो हम उन्हें यहाँ से इन्हें शो कराना पड़ता है तो ये सारी चीजें जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि कहाँ से क्या ये चीजें शो होती हैं इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से आपको एक स्टेटस बार दिखेगी जैसे यहाँ पे शीट दिख रहा है फिर आपको एक स्टेटस बार दिखेगी जिसमें यह दिखाएगा कि तीन शीट है टोटल और उसमें से हम पहली शीट पे हैं शीट वन ऑफ थ्री इस पे क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा शीट टू ऑफ थ्री इस पे क्लिक करेंगे तो शीट थ्री ऑफ थ्री तो यहाँ से शीट्स है शीट है कितनी शीट इंसर्टेड है हमारे इस फाइल में और फिर यहाँ से आपकी कौन सी लैंग्वेज लगी हुई है लेन आपका यहाँ से स्टैंडर्ड सिलेक्शन जो भी आपका सिलेक्शन का मोड लगा हुआ है वो दिखाता है सिलेक्शन के मोड दो तरीके के होते हैं फिर यहाँ से दिखा रहा है कि तो एवरेज सम जैसे जो भी आपका फॉर्मूला होगा वो यहाँ शो होगा और उसके साथ ही हमारी विंडो जो है वो कितने परसेंट जूम है एक सौ चालीस परसेंट इसको हम यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं और इसे हम यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड वो स्टेटस बार जो कि हमारे पेज का स्टेटस दिखाती है तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानना था और एक दो तो चीजें और हम देख लेते हैं अब अगर हम कैल्क में काम करें तो उसमें हम डेटा कैसे एंटर करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से कुछ रो और कॉलम हमें मिल रहे हैं कुछ सेल मिल रही हैं और इसमें देख रहे हैं हर एक सेल का अपना एड्रेस है और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कैल्क में अगर कभी पूछा जाए तो इसमें होम सेल किसे कहा जाता है तो हमेशा आप कहेंगे कि होम सेल ए वन को कहा जाता है क्योंकि जब भी आप क्याल की कोई भी नई फाइल लेंगे हमेशा ए वन वाला ये जो है वो सिलेक्टेड रहेगा जैसे हम एक नई फाइल लेके देखते हैं तो हम यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे देखेंगे जैसे हमने न्यू फाइल ली तो ये एन टाइटल टू के नाम से हमें एक नई फाइल मिली लेकिन इसमें कौन सी से सेल सेलेक्टेड है ए वन सबसे पहली सेल होती है ए वन इसलिए ये डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहती है तो इसको होम सेल कहा जाता है क्या कहा जाता है होम सेल तो चलिए इसे बंद कर देते हैं अपनी पुरानी वाली फाइल पे आ जाते हैं तो ये सेम होम सेल कहते हैं तो 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 इसमें देखो जब भी हम कोई डेटा एंटर कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ से कैरेक्टर एंटर एंटर किया किया सी टी ए तो अब हमने यहाँ से वन टू थ्री एंटर किया एक चीज आपको और दिखाएं देखना जब हमने सी टी ए लिख के एंटर किया तब तो क्या हुआ कि हमारा सी टी ए लेफ्ट साइड में रह गया इसका लाइन क्या रहा लेफ्ट साइड पर जब हमने नंबर लिख के एंटर किया तब तो उसका लाइन क्या रहा राइट साइड जैसे देखना यहाँ पे अगर हमने वन लिखा और जैसे एंटर किया नीचे वाली सेल में आने के लिए हम एंटर कर सकते हैं या फिर आप एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं आप अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए तो देखना जैसे हमने वन लिख के एंटर किया तो आपने देखा कि इस वन का सेल में अलाइनमेंट क्या है राइट साइड और देखना जब भी हम यहाँ से कोई कैरेक्टर लिख के जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी हम कोई कैरेक्टर लिख के एंटर कर रहे हैं तो जैसे कोई अल्फाबेटिक वैल्यू जब हम एंटर करके एंटर कर रहे हैं लिख के तो उसका जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या है लेफ्ट है इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का अलाइनमेंट इसमें बाई डिफॉल्ट राइट रहता है और अल्फाबेटिकल का जो अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से क्योंकि हमें यहाँ से अलाइनमेंट के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ से हम लेफ्ट सेंटर या फिर राइट right का यूज कर सकते हैं पर जो डिफॉल्ट होता है वो यही होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का राइट right अलाइनमेंट और अल्फाबेटिकल वैल्यू का लेफ्ट अलाइनमेंट तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था तो कैसे इसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं आई होप आपको ये डिटेल जरूर मिल गई होगी तो अब आप क्या करेंगे तो आप घर पे पे कुछ अपना तीन चार लोगों का इस तरीके से बना लेंगे जैसे सीरियल नंबर फिर हमने पे लिखा नेम तो यहां पे हमने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर आप टैब करके भी नेक्स्ट सेल पे जा सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर फिर ऐसे हमने यहाँ से सीरियल नंबर वन एंटर किया नेम में जैसे हमने अमन डाल दिया कॉन्टेक्ट नंबर हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से डाल दिया फिर हम दूसरे पे आ गए और दूसरे पे हमने यहाँ से कर दिया टूर तो फिर हमने यहाँ से जैसे कर दिया आ, सीता उसके तो बाद हमने यहाँ से कुछ कॉन्टेक्ट नंबर एंटर कर दिया तो इस तरीके से आप अपना कुछ डेटा एंटर करके जरूर देखिएगा बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फाइल को सेव करना है देन ऐसे ही कैसे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जरूर पढ़ेंगे पूरा कैल्क हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ऑप्शन के साथ जैसे हमने राइटर कंप्लीट किया है सो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट हैव है नाइस डे